एवरीवन पिछली बार हमने बात करी थी व्हाट आर योर बॉडी पेन टेलिंग यू आज हम बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या है हमारी बॉडी में हमें साइकोसोमेटिक पेंस होती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और रीज़न वो होता है हमारा स्ट्रेस जो कि हमें लगता है कि वो फिज़िकल सिम्टम्स हैं रीज़न स्ट्रेस नहीं है आज हम उसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी सोल्यूशन जो है इनकी स्टेजेस होती है स्टेजेस ऑफ रिकवरी इसको बोलते हैं पहली स्टेज हमारी डिनाइल ही होती है डिनाइल मतलब स्वीकारना ना ये लगना कि मुझे सिर्फ फ़िजिकल सिम्टम्स ही हैं ऐसा लगता है कि मुझे साइकोलॉजिकली कुछ नहीं है मुझे प्रेशर कुछ नहीं है मुझे कोई दिमागी परेशानी नहीं हो सकती ये तो मुझे फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है पेट में प्रॉब्लम है या उल्टी आना या घबराहट या बेचैनी या नींद ना आना ये हम डिनाइल में रहते हैं डिनाइल के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की जब हमें धीरे धीरे एक्सेप्ट होना शुरू होता है एक्सेप्ट कब होता है जब कितने सारे डॉक्टर्स हमें कह चुके होते हैं हम जब फिजिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं अब आपको साइकोलॉजिकली जाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा क्योंकि हमने आपके सारे टेस्ट कर लिए हैं हमने आपकी बॉडी का सारा ट्रीटमेंट कर लिया है देख लिया उसमें कुछ भी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली है तो आपको वहां जाना है तो हम एक्सेप्टेंस में आते हैं लेकिन उस एक्सेप्टेंस में आने में भी हमें कई बार छः महीने से साल लग जाते हैं उसके बाद आता है हमारा सरेंडर सरेंडर हम किसको करेंगे अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अगर हमें ठीक होना है हमें अपना इलाज कराना है तो हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास यानी कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है जहाँ जाके हमें फिर पूरा सरेंडर करना है कमिटमेंट दिखानी है जो डॉक्टर कहता है उस तरीके से हमने मेडिसिन लेनी है या हमने अपनी काउंसलिंग सेशंस कराने हैं उसमें साइकोथेरेपी आती है सीबीटी आती है एक्ट थेरेपी आती है एक्ट थेरेपी होती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी कि हमने पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हम अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं कि हमने ठीक कैसे होना है सरेंडर के बाद फिर हमारी रिकवरी आती है अगर हम ग्रेसफुली किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर धीरे 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 हम रिकवरी की तरफ जाते हैं और जितने भी हमारी साइकोसमैटिक पेन्स होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं एक्चुअली करना क्या होता है करना ये होता है कि हमने एक्सेप्ट करना और वर्क करना है उस पर उस चीज़ को मान के स्वीकार के उस पर काम करना है अगर हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि ये जो मुझे बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उल्टी लग रही है या पेन्स हो रही हैं ये कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेसर की वजह से है अगर मैं कुछ कुछ ऐसे काम करूंगा या करूंगी जिससे मैं इजीली रिलीफ में आ सकती हूं तो अगर हम वो करते हैं तो एकदम से बेटर फील होना शुरू हो जाता है और इसमें ना दो तरीके हैं एक है एफ ए एस फास्ट एक्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड एल टी एस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज फास्ट एक्टिंग स्ट्रेटजीज ये हैं कि जब आपको कोई भी फिजिकल सिम्टम आ रहा है कोई बेचैनी घबराहट कुछ भी हो रहा है तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो उसी वक्त आप क्या कर सकते हो फास्ट एक्टिंग स्ट्रैटेजीज में है हमारी डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है तीन चार बार लंबा सांस लेंगे उसको अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे चार सेकेंड के लिए फिर सांस को मुंह से बाहर निकालेंगे प्लस ग्राउंडिंग टेक्निक अपने आसपास की चीजों को देखना काउंट करना जो चीजें हम देख सकते हैं सुन सकते हैं स्मेल कर सकते हैं फील कर सकते हैं या जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा गाइडेड इमेजरी गाइडेड इमेजरी एक बहुत ही अच्छी हमारी टेक्निक होती है उसमें क्या करना होता है फॉर एग्जाम्पल आपको एकदम से घबराहट बेचैनी पेन या कुछ भी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी और आपने अपने आप को डायवर्ट करना है आपने कुछ देर के लिए आंखें बंद करनी है और आपने उस ऐसी जगह के बारे में इमेजेस लेके आनी है अपने मन में कि आप उसी जगह पे हो फॉर एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जाना सबको अच्छा लगता है पर हम कई बार फिजिकली नहीं जा सकते वहां करके हमने फील करना है कि हम गोल्डन टेम्पल गए हैं वहां पे हमने क्या क्या किया कहाँ हमने बो डाउन किया माथा टेका या हम कहाँ जाके बैठे और भगवान को हमने कैसे प्रेयर की उसको बोलते हैं इमेजरी गाइडेड इमेजरी अगर हम वो थोड़ी देर के लिए उस इमेज को अपने माइंड में लेके आते हैं तो हम खुद ब खुद देखेंगे हमारी बॉडी के सिम्टम्स सेंसेशंस सब दूर होने शुरू हो जाएंगे और हम बेटर फील करेंगे देन मेडिटेशन आप कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं मेडिटेट कर सकते हैं सतनाम वाहिगुरु कर सकते हैं और कुछ नहीं किसी भी तरह का म्यूजिक लगा के टॉकिंग टू सामवान इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब आपको कोई तकलीफ हो रही है और उस टाइम पे आप किसी से बात कर लेते हो पाँच मिनट दस मिनट के लिए तो आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हो हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है हमें जब तकलीफ आती है कोई भी साइकोसोमैटिक पेन आती है प्रॉब्लम आती है तो हम उससे इतना डर जाते हैं हमारा फोकस इतना ज़्यादा उस पर हो जाता है कि हम फटाफट से रश करते हैं कि फटाफट हॉस्पिटल जाए डॉक्टर के पास जाए अपने टेस्ट तक भी करा लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं इमिडिएटली अगर हम किसी भी लफ्ड वन से बात कर ले हगिंग सम वन किसी को हक कर लें किसी से बात कर लें हाथ पकड़ लें तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है ठीक हो जाती है ये जो है ये हमारी इमीडिएट फास्ट एक्टिंग स्ट्रैटेजीज है जो हम खुद से कर सकते हैं और अपने आप को उसी टाइम पे सुकून दे सकते हैं साथ में जो भी आपको मेडिकेशन डॉक्टर्स ने प्रोवाइड की होती हैं प्रिस्क्राइब की होती हैं एसओएस मेडिकेशंस एस हम उस टाइम पे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज वो है कि जो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी है अपनी जिंदगी में शामिल करनी करनी है उनमें सबसे पहले रूटीन बनाना जो हम नहीं बना पाते हैं इवेल्यूएटिंग योर प्रायरिटीज खुद को देखना है कि आपकी प्रायरिटीज क्या है प्रायरिटीज का मतलब है पहले करने वाले काम जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम करें बाकी के काम हम पोस्टपोन कर दें हमारी क्या आदत होती है स्पेशली स्पेसिफली फीमेल्स की कि सारे काम कर लेने हैं ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है ये भी ना रह जाए वो भी ना रह जाए और उसका इतना बर्डन हो जाता है हमारे पे हम अपनी कैपेसिटी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम करें जितना हमसे हो सकता है प्रायोरिटाइज करें कि ये वाले काम मेरे जरूरी है बाकी के मैं बाद में कर लूंगी एलिमिनेटिंग स्ट्रेस अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा इंसान आपको स्ट्रेस दे रहा है तो आप खुद को उसे थोड़ा सा स्टेप बैक कर ले थोड़ा साइड पे हो जाए अपने आप को बोल दें कि मैं ये स्ट्रेस नहीं ले सकती या नहीं ले सकता मुझे थोड़ा सा अपने आप को इससे परे करना है अपनी स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उनको हम थोड़ा सा एलिमिनेट करें एक्सरसाइज या योगा वॉक करनी अपनी आ, कुछ क्रिएटिविटी करनी कुछ क्रिएटिव चीजें करनी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है किसी को और कुछ नहीं तो पौधों को लगाना या पौधों को पानी देना अच्छा लगता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपनी डेली रूटीन में डालें ताकि आपका फोकस है थोड़ा सा हट जाए बैलेंस डाइट रखनी बैलेंस डाइट मतलब अपनी डाइट में हम अच्छी चीजें ऐड करें उसमें हम फ्रूट्स नट्स ये सब चीजें डालें तली चीजों का परहेज करें हम एक तरफ कहते हैं साइकोसोमैटिक जब होता है उल्टी आने का मन कर रहा है एसिडिटी बहुत हो गई है एसिडिटी गैस ब्लोटिंग कबर्स ये सब चीजें बहुत कॉमन है अगर हम डाइट का ध्यान रखें तो हम ये सारी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं उनको हम परे कर सकते हैं मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं देन खुद से बात करें पहले तो अपने आप से सवाल पूछें कि मुझे ये क्यों हो, हो रहा है ये जो मुझे बॉडी में कोई भी सेंसेशन हो रही है या मुझे थकावट हो रही है आज या मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे कमर में दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है इसका रीज़न क्या है कहीं मैंने ओवरबर्डन तो नहीं लिया हुआ किसी चीज का कहीं मैं स्ट्रेस तो नहीं हूं अगर मैं स्ट्रेस हूं तो मुझे अपना स्ट्रेस थोड़ा शेड ऑफ करना है आराम से कहना है अपने फैमिली मेम्बर्स को कि इतना मैं कर सकती हूँ या इतना मैं कर सकता हूँ इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता देन अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई मुझे बताएगा कितने घंटे नींद चाहिए हमें नॉर्मली सिक्स टू एट आवर्स नींद बहुत मस्त है सेवन टू नाइन आवर्स सिक्स टू एट आवर्स मस्त है एट आवर्स नींद अगर हम लेते हैं सारे दिन में तो आई थिंक हम सुकून से आ, अपनी लाइफ बिता सकते हैं अगर हमारी नींद पूरी नहीं है ना तो हमारे ब्रेन के सेल्स नॉर्मल नहीं है फिर हमारे ब्रेन के सेल्स को भी एनर्जी चाहिए रिजिविनेशन चाहिए अगर नींद पूरी नहीं होएगी तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे को आनी शुरू हो जाएंगी इसके अलावा सोशल सपोर्ट आपके कोई फ्रेंड है आपके कोई फैमिली मेंबर है कोई अजीज है जो आपकी बात सुन रहे हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें अगर ये सारी चीजें हम डेली रूटीन में अपनी ऐड कर लेंगे तो हमारी जो है ये जो साइकोसोमेटिक पेन्स हैं जो हमारी बॉडी की पेन्स हैं प्रॉब्लम्स हैं उससे हम निजात पा सकते हैं उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा लेकिन करना हमें खुद है खुद से खुद से एफर्ट्स लगानी है ਅਗ ਇੱਕ ਨਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਮੀ ਟਾਈਮ ਮੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਤਾਏਗਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਵਾਲ ਹੈ ਮੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 24 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕ ਏਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਐ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਐ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੋ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਸਕুলਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਸਕুলਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਕੋ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿ세 ਜਿ세 ਇਹ ਮੁਠੀ ਐ ਮੁਠੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ

और रोज करें तो उससे हमारी बॉडी माइंड दोनों बहुत रिलैक्स रहते हैं और किसी ने कुछ पूछना है जी होता है ऐसे बॉडी बॉडी होती है हमें और हमें पता ही नहीं लगता और हम कहते रहते हैं कि नहीं पेट वाले डॉक्टर के पास चले जाओ कमर वाले डॉक्टर के पास चले जाओ और के पास चले जाओ लेकिन बाद में एंड में पता लगता है जब टेस्ट में कुछ नहीं निकलता तो डॉक्टर कहते हैं नहीं आप जाओ साइकैट्रिस्ट के पास जाओ आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है ठीक है जी समझ आया इतना थैंक यू